हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फोर सिविल सर्विसेज। मैं हूँ भरत सैनी और हम हमारी जो मिडाइवल हिस्ट्री की या फिर हिस्ट्री की जो टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं उसमें मिडाइवल हिस्ट्री को कंटिन्यूसली डिस्कस करते हुए इस फिफ्थ वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में। अब तक हमने कई प्रकार के क्वेश्चन मिडाइवल हिस्ट्री में डिस्कस किए हैं, चाहे वो भक्ति धारा के बारे में बात हो, सगुण निर्गुण धारा की बात हो, अलवार नैनार की बात हो, हर प्रकार के क्वेश्चन को हमने अब तक यहाँ पे डिस्कस किया है। अब इस सीरीज़ के इस वीडियो में अब और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो फिर से अलवार और नैनार इन दो के बारे में संबंधित क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि अलवार और नैनार इन दोनों ने जाति व्यवस्था और ब्राह्मणों के प्रभुत्व के विरोध में आंदोलन शुरू किया था, और या फिर आप ये कह सकते हैं कि इस व्यवस्था में सुधार करने का उन्होंने प्रयास किया था। क्या ये कथन सही है या गलत है ये बताना है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि अलवार और नैनार जो थे उन्होंने हमेशा ही हमारे जो समाज है उस समाज में जाति व्यवस्था का समर्थन किया था। क्या ये बात सही है या गलत है ये बताना है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये दो स्टेटमेंट जो यहाँ पे आपको पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दिया जा रहा है वो कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। उसके बाद तीसरा है कि अलवार और नैनार की परंपराओं के महत्व को कभी कभी इस दावे से संकेत मिलता था कि उनकी रचनाएं वेदों की तरह महत्वपूर्ण थी। तो इन तीन में से कौन से स्टेटमेंट सही है वो आपको राइट आंसर यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर आपको मिलेगा सी, जिसमें पहला और तीसरा दोनों कथन सही हैं। तो अब आगे आने वाली स्लाइड्स में आप जानेंगे कि अलवार और नैनार जो थे उन दोनों के, जैसा कि हमने इस स्टेटमेंट में बात करी कि इनके जो रचनाएं थीं तो उन रचनाओं को क्या कहा जाता था, कलेक्शंस के जो उनके जो लिखे जाते थे उन सब जो लिखे जाने वाली जो रचनाएं थीं उन रचनाओं के कलेक्शन को क्या कहते थे, इस प्रकार के क्वेश्चन हम आगे आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को हम कम्प्लीटली जान चुके हैं कि अलवार और जो नैनार थे वो जाति व्यवस्था में सुधार का प्रयास उन्होंने किया था, उन्होंने ब्राह्मणों के प्रभुत्व के विरोध में आंदोलन किया था, और उन्हें लगता था कि जिस प्रकार वेद हमारे लिए महत्वपूर्ण है उसी प्रकार उनके संतों द्वारा लिखी गई रचनाएँ भी उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये दो स्टेटमेंट जो हैं इनके बारे में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इस प्रकार है कि आपको दो कुछ कथन दिए गए हैं, वो भी अंडाल के बारे में। अब उस कथन के बारे में हमें ये बताना है कि क्या वो सही है या फिर वो कथन गलत है। तो ऑप्शंस में आपको कथन दिए गए हैं कि अंडाल एक अलवार संत महिला थी, उनकी रचनाओं की सबसे खासियत बात जो थी वो इस ये थी कि वो जो उन्होंने रचनाएं की वो व्यापक रूप से गाई गई, और गाई जाने के बाद आज तक वो जो रचनाएं हैं वो गाई जाती है। क्या ये बात सही है। दूसरी बात उनके बारे में कहा गया है कि अंडाल एक नैनार संत महिला थी, उन्होंने समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था को शामिल किया था, अर्थात अंडाल वॉज ए वुमन नैनार, सी इनकॉर्पोरेटेड द प्रिवेलिंग कास्ट सिस्टम इन द सोसाइटी। क्या ये बात सही है। उसके बाद तीसरा बताया गया है कि अंडाल ने खुद को विष्णु के प्रिय के रूप में देखा, उनके छंद देवता के प्रति उसके प्रेम को व्यक्त करते हैं, जो उन्होंने छंद लिखे थे वो जो छंद थे वो देवता के प्रति, अर्थात जो विष्णु के बारे में उन्होंने प्रिय के रूप में देखा था, क्या विष्णु के बारे में उनके प्रेम को दर्शाता है। तो ये स्टेटमेंट इस प्रकार है कि अंडाल ने विष्णु के प्रिय के रूप में अपने आप को देखा, और उन्होंने जो छंद लिखे उन छंद में विष्णु के बारे में ही उन्होंने अपने प्रेम को व्यक्त किया। चौथा स्टेटमेंट है कि अंडाल ने खुद को कृष्ण की प्रेमिका के रूप में देखा। अब तीसरे स्टेटमेंट में विष्णु के बारे में बताया गया है, चौथे में अंडाल ने खुद को कृष्ण की प्रेमिका के रूप में देखा, और उनके जो छंद है वो देवता के प्रति उसके प्रेम को व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है आपको यहाँ पे सही नहीं मिलता है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा कथन आपको सही नहीं मिलता है अंडाल के बारे में, नॉट करेक्ट अबाउट अंडाल, तो वो है कि जो जाति व्यवस्था थी, क्योंकि देखिए हमने बात करी कि अंडाल आप जो जिस टाइमिंग में जिस टाइम फ्रेम में वो आती है वो टाइम फ्रेम आप अलवार और नैनार संतों से रिलेट कर सकते हैं। और अभी अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बात करी है कि जो अलवार हुए हैं और जो नैनार हुए हैं उन लोगों ने जाति जो व्यवस्था थी
उसके अगेंस्ट में वो थे और वो उसमें सुधार के प्रयास कर रहे थे। तो इस स्टेटमेंट के बारे में आप कंप्लीटली डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं देखते ही कि अगर ये कहा जा रहा है कि अंडाल जो थे वो उनके सपोर्ट में थे या प्रिवेल कर रहे थे उस कास्ट सिस्टम को, तो ये गलत आपको यहाँ पर सूचना देखने को मिलती है। तो ये यहाँ पर राइट आंसर हुआ क्योंकि ये यहाँ पर ऑप्शन गलत है, तो ये हमने जाना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि आपको कुछ कथन दिए गए हैं और कथनों पर विचार करते हुए हमें राइट आंसर तक पहुंचना है। पहला कथन हमें दिया गया है कि जो शिव के भक्त थे कराईकल अमयार, इन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए अत्यधिक तपस्या, एक्सट्रीम लेवल जो होती है तपस्या का, उसको करने के उस वे पे गए, उस मार्ग को अपनाया कि जब जो मुझे अपना लक्ष्य पाना है उसके लिए मुझे अत्यधिक तपस्या करनी होगी। इस प्रकार के मार्ग को क्या कराईकल अमयार ने अपनाया था जो एक शिव के भक्त थे, ये पहला स्टेटमेंट दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि अंडाल जो हमने अभी बात करी पहले, और कराईकल अमयार ने अपने सामाजिक दायित्व का त्याग कर दिया लेकिन एक वैकल्पिक आदेश में शामिल नहीं हुए और नन बन गए, अर्थात अंडाल एंड कराईकल अमयार रिनाउंस्ड देयर सोसाइटी या सोशल ऑब्लिगेशंस बट डिडंट ज्वाइन एन अल्टरनेटिव ऑर्डर, किसी अल्टरनेटिव ऑर्डर को ज्वाइन नहीं किया और बिकेम नंस, नंस वो बन गई थी। तो इनमें से आपको कौन से दो कथन सही लगते हैं? तो यहाँ पे आपको दिए गए दोनों कथन सही हैं। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ ऑल ऑफ द अबव, अर्थात दिए गए सभी कथन आपको यहाँ पे सही मिलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्गुण की सही परिभाषा है। तो निर्गुण के बारे में हमने पहले भी पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, सगुण और निर्गुण इन दोनों के बारे में। तो सगुण जो धारा थी उसमें हमने बताया था कि जो भगवान के एक रूप को उन्होंने मान के पूजा करी थी, और निर्गुण में वो मानते हैं कि एक परमेश्वर के एक आप ये कह सकते हैं कि स्मृति या फिर एक इमेज से ऊपर उठ के वो उसको फील करने की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सही परिभाषा इनमें से कौन सी है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मलेस गॉड, जिसकी कोई फॉर्म नहीं है, जो हम किसी एक फॉर्म में लेके उस गॉड को नहीं पूजेंगे, वो फॉर्मलेस है, भगवान है लेकिन फॉर्मलेस है, क्या इस प्रकार की बात को निर्गुण धारा ने कहा था। दूसरी, एक फॉर्मलेस गुरु की बात उन्होंने करी थी। तीसरा, ये आध्यात्मिकता की अवधारणा है या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, अर्थात ये निराकार परमेश्वर की अवधारणा है। तो ए इसका राइट आंसर हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में भक्ति आंदोलन के प्रभाव के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार है कि भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप मुख्य रूप से भक्ति कविताओं और संगीत के रूप में क्षेत्रीय या फिर वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, आप ये कह सकते हैं अलौकिक भाषाएं जो थी, वो हिंदी साहित्य में उनके द्वारा वृद्धि हुई। क्या ये बात सही है? जो भक्ति आंदोलन था उसके द्वारा क्या हमारे हिंदी या हिंदू साहित्य जो हमारा था उसमें वृद्धि हुई? उसके अलावा बताया गया है कि क्या भक्ति आंदोलन के द्वारा बौद्ध जो थे उनके साहित्यों में, उनके जो रचनाएं थी उनमें कविताएं, संगीत, इन सब का एक उछाल आया? तो राइट आंसर है हिंदी साहित्य में इसके द्वारा वृद्धि हुई थी, न कि बौद्ध पाठ में या बौद्ध रचनाओं में। तो इसका राइट आंसर होगा ए, अर्थात ओनली वन। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि अलवार और जो ये क्वेश्चन जो आपके सामने पूछा गया है, ये अलवार संतों के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन में आपको दो स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है कि 12 अलवार जो तमिल कवि संत थे, क्या वो छठी से लेके नवी शताब्दी के बीच में रहते थे और अपने गीतों में विष्णु कृष्ण के प्रति भावुक भक्ति या भक्ति का भाव रखते थे? तो जो अलवार जो संत थे, क्या उनकी संख्या 12 थी और किसकी वो पूजा करते थे, इसको भी हम जानेंगे। क्वेश्चन में दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि 63 अलवार संत होते थे और वो शिव की भक्ति करते थे और वो 5 से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच में हुए थे। तो अलवार संतों के बारे में अगर आपको पहले पता होगा तब जाके आप इस क्वेश्चन को राइट कर पाएंगे।
तो आलवार जो संत थे वो तमिल कवि थे और संत भी थे, और इसका मतलब जो आलवार है इसका होता है कि भगवान की भक्ति में डूबा हुआ। और इनका जो काल माना जाता है, जो हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया कि यहाँ पे हमने बात करी कि आलवार 6वीं से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच में हुए हैं, तो इनका टाइम माना जाता है 6th से लेकर 9th जो ये शताब्दी है इनके बीच में। और इनके जो रचनाएं हैं, जो पद हैं, उनके संग्रह को दिव्य प्रबंध कहा जाता है, और ये अपने इस दिव्य प्रबंध को वेदों के तुल्य मानते हैं। तो ये बात हुई आलवार संतों के बारे में। अब बात करते हैं कि ये जो भक्ति आंदोलन जो चलता है उसको और उसके जन्मदाता जो हैं वो आलवार संतों को माना जाता है। भगवान विष्णु या नारायण की उपासना करने वाले जो भक्त हैं उनको आलवार कहते हैं, और इनकी संख्या 12 होती है। तो ये जो यहाँ पे हमने बात करी, जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है, ये पूर्णतया सही है आलवार संतों के बारे में। दूसरा बताया गया है कि 63 आलवार संत होते हैं और वो भक्ति शिव की भक्ति करते हैं, वो आलवार नहीं वो नयनार संत होते हैं जो शिव की भक्ति करते हैं, उनकी संख्याएं और उनकी शताब्दी के बारे में भी आगे बात करेंगे। तो वो ये है कि हिंदू धर्म में नयनार जो हैं वो भगवान शिव के भक्ति संत थे। इनका उद्गम या उद्भव जो था वो मध्यकाल में मुख्यतः दक्षिणी भारत के तमिलनाडु का जो हिस्सा था उसमें हुआ था। कुल 63 नयनारों ने शैव सिद्धांतों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इनकी संख्या होती है 63। शिव की ये भक्ति करते हैं, नयनार ये कहलाते हैं। तो हमने अलवार संतों और नयनार संतों के बारे में बात करी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन फिर से हमें अलवार संतों के बारे में मिलता है। क्वेश्चन में बताया गया है, पहला कथन दिया गया है कि आलवार जो संत थे उनके भजनों के संग्रह या पद जो लिखते थे उनके संग्रह को दिव्य प्रबंध के रूप में जाना जाता था। ये हमने अभी पिछली स्लाइड में डिस्कस किया है कि इनके पदों के संग्रह को दिव्य प्रबंध कहा जाता था। तो ये जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है ये यहाँ पे सही दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि इनके कविताओं के संकलन को या साहित्य के संकलन को तिरुमुरे या तमिल वेद कहा जाता था। क्या उनके तमिल वेद कहते थे हम? नहीं, उनको हम कहते थे दिव्य प्रबंध, जो हमने यहाँ पे अभी भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे ए राइट आंसर है, बी रोंग आंसर है। तो इसका आंसर होगा केवल ए, अर्थात ओनली ए इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि हिंदू धर्म का एक भावनात्मक रूप जो 16वीं शताब्दी में पनपा, और वो भी कहाँ, जिसकी लोकेलिटी या जिसकी जो एरिया था वो था बंगाल या उड़ीसा का पूर्वी हिस्सा। इन दोनों जगहों को मिला के हमारे हिंदू धर्म का कौन सा भावनात्मक हिस्सा वहाँ पे पनपा था? क्या वो वल्लभाचार्य का कृष्ण पंथ था, या शिव पंथ था, या फिर गौड़ीय संप्रदाय था? तो गौड़ीय संप्रदाय से हम रिलेट करते हैं, जैसा कि हमने चैतन्य महाप्रभु के बारे में पहले देखा था। तो उनके द्वारा इसकी स्टार्टिंग किस प्रकार, चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय से रिलेट करते हैं, इन चीज़ों को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसका राइट आंसर है ए, अर्थात जो उड़ीसा, पूर्वी उड़ीसा थी और बंगाल था, वो 16वीं शताब्दी में गौड़ीय संप्रदाय की ही वहाँ पे प्रचलन था, जो शुरुआत जिसकी शुरुआत की गई थी चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कैसे गौड़ीय संप्रदाय से रिलेट करते हैं, और इन दोनों को मिक्स करके हम कैसे इस क्वेश्चन के राइट आंसर तक पहुँचते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जो था उसकी आधारशिला चैतन्य महाप्रभु के द्वारा रखी गई थी, और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए महामंत्र संकीर्तन जो था उसका अत्यंत व्यापक और सकारात्मक प्रभाव आज भी जो वेस्टर्न कल्चर है या पश्चिमी जो जगत है वहाँ तक आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार का जो संकीर्तन जो लिखा गया था और जो उनके द्वारा प्रारंभ किया गया महामंत्र जो था, वो महामंत्र नाम का संकीर्तन जो था उसका प्रभाव ने बात डिस्कस किया। उसके अलावा कृष्ण कृपा मूर्ति जो थे वो श्री श्रीमद, अभी जो हमने पहले बात करी थी कि जो अभय चरणाविंद जो थे, जो हमने पहले इस वीडियो या लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया था, वो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के पश्चिमी जगत के आज तक के सर्वश्रेष्ठ प्रचारक माने जाते हैं। तो हमने बात ये करी कि किस प्रकार इसके
जो प्रचारक हैं वो कौन माने जाते हैं, और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का जो पश्चिमी जगत है या वेस्टर्न कल्चर है जहाँ पे इसका प्रचार किया गया था वो किसने किया था। तो ये हमने यहाँ पे जाना गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि जो भारतीय जो हिंदी जो हमारा हम ये बात करते हैं जो हमारा मिडाइवल हिंदुइज्म था, उस मिडाइवल हिंदुइज्म में एक उस वक्त हम ये कह सकते हैं रिवोल्यूशन आया था, एक क्रांति आई थी, एक भक्ति मूवमेंट बना था, और वो भक्ति मूवमेंट जो था बाद में किसी एक धर्म के क्रांति के अंदर बदल गया था, तो उसके बारे में हमें बताना है। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक आस्तिक भक्ति प्रवृत्ति का जन्म हुआ जो मध्यकालीन हिंदू धर्म में उभरी। जो आस्तिक भक्ति प्रवृत्ति थी वो मध्यकालीन हिंदू धर्म में उभरी और बाद में वही बौद्ध धर्म में वो क्रांति परिवर्तित हो गई। अर्थात जो आस्तिक भक्ति प्रवृत्ति थी वो हिंदू धर्म से आप ये कह सकते हैं उभर कर जो बुद्धिज्म था उसमें रिवोल्यूशन जो था उसमें कन्वर्ट हुआ। इसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया है कि हिंदुइज्म से इस प्रकार की क्रांति या भक्ति प्रवृत्ति उठ के जैनिज्म में कन्वर्ट हुई। कब की बात कर रहे हैं हम? मध्यकालीन भारतीय इतिहास की। और उसके बाद थर्ड बताया गया है कि हिंदुइज्म में जो आस्तिक भक्ति प्रवृत्ति थी वो मध्यकालीन हिंदू धर्म में उभरते हुए फाइनली वो सिख धर्म की वो क्रांति के रूप में वहाँ पे उसमें भी रिवोल्यूशनाइज हो जाती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है कि जो मध्यकालीन हिंदू धर्म में भक्ति की जो प्रवृत्ति पैदा हुई थी वो फाइनली वो लेटर जो कन्वर्जन था या रिवोल्यूशनाइज जो किया था वो था सिखिज्म, जो सिख धर्म में हुआ था वो था इसका राइट आंसर। तो सी इसका राइट आंसर हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि जो भक्ति एक टर्म यूज करते हैं हम उसका मतलब क्या है? तो ऑप्शन दिए गए हैं कि भक्ति इज डिराइव्ड फ्रॉम द रूट भाज, अर्थात इसका रूट वर्ड जो है वो है भाज। अब बताया गया है कि पहले ऑप्शन में कहा है कि भाज का मतलब है विभाजन, मतलब अगर हम किसी चीज़ का विभाजन करते हैं वो वर्ड उसका मतलब है भाज और इससे हमने भक्ति को बनाया है। सेकंड मतलब दिया गया है कोलोबरेशन, अर्थात दो लोगों के बीच में सहयोग, दो लोगों के बीच में कोलोबरेशन यानी कि उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करना, उस प्रकार की सहयोग की जो बात है वहाँ से वो वर्ड आता है भाज और भाज से बनता है भक्ति। तो क्या ये सही है इसका मतलब? तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी, अर्थात सहयोग से मतलब भाज है और भाज से बना है भक्ति। तो इसका राइट आंसर हुआ बी। अब जानते हैं भक्ति का राइट मीनिंग क्या है जो यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो संस्कृत में भक्ति जो मतलब जो वर्ड लिखा गया है उसका लिटरली जो मतलब है उसका मतलब है अटैचमेंट, पार्टिसिपेशन, फॉन्डनेस फॉर होमेज, फेथ, लव, डिवोशन, वर्शिप और प्योरिटी। तो हिंदुइज्म में उन लोगों के प्रति प्यार दिखाना जिनको ज़रूरत है, उनको सहयोग करना, हेल्प करना, इस प्रकार की चीज़ों को हम कहते हैं भक्ति। एंड इट रेफर्स टू डिवोशन टू एंड लव फॉर अ पर्सनल गॉड और अ रिप्रेजेंटेशनल गॉड बाय अ डिवोटी। या तो हम भगवान या फिर भगवान के ही एक रूप, इन दोनों के बीच में जो डिवोटी होता है उनके बीच की जो टर्म होती है उसको हम कहते हैं भक्ति। तो भगवान भक्त के जो भगवान से रिलेशन होता है जिसके थ्रू वो होती है उसको हम कहते हैं भक्ति। तो ये हमने जाना कि भक्ति का राइट मीनिंग क्या है, क्या उसका राइट आंसर ऑप्शन में होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाठ आध्यात्मिक स्वतंत्रता और रिहाई के तीन तरीकों में से एक के रूप में भक्ति मार्ग का परिचय देता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इंट्रोड्यूस भक्ति मार्ग एज वन ऑफ थ्री वेज टू स्पिरिचुअल फ्रीडम एंड रिलीज। जो स्पिरिचुअल फ्रीडम और रिलीज है उसको पाने के लिए, भक्ति मार्ग देखने के लिए
कौन सा कोई तीन में से एक भक्ति मार्ग आपको यहाँ पे मिलता है? ऑप्शन दिए गए हैं वेद, वेदांत, ब्राह्मण या भगवत गीता। तो भगवत गीता जो है वो उन तीन तरीकों में से एक के रूप में है जो भगवान से आप ये कह सकते हैं आध्यात्मिक स्वतंत्रता, जो हमें स्पिरिचुअल फ्रीडम चाहिए होती है, जो रिलीज चाहिए होती है, उसका परिचय देता है। तो भगवत गीता इसका राइट आंसर हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी अवधारणा है जो हिंदू धर्म के भक्ति आंदोलन में ब्रह्मा जो भगवान है, परमात्मा है, उनकी कल्पना के दो तरीके बताती है। तो जो हमारा भक्ति मूवमेंट हुआ था और भक्ति मूवमेंट के तहत जो भगवान को, जो आप ये कह सकते हैं जो परमात्मा है, उनको देखने का एक नज़रिया दो तरीक़ों से बट चुका था। एक वो जो भगवान को सगुण देख रहे थे, जो भगवान को सगुण पूजा कर रहे थे, कि एक आप ये कह सकते हैं एक मन में एक इमेज बना के उनके दिमाग में कुछ एक आप ये कह सकते हैं कॉन्सेप्ट होगा, एक आइडिया होगा कि किसकी वो पूजा कर रहे हैं, और इस प्रकार के वो एक गुणों की पूजा कर रहे हैं कि किस प्रकार के, इसीलिए यहाँ पे कहते हैं सगुण, अर्थात गुण के साथ जो पूजा करी जाती है कि किसी एक चीज़ को, किसी एक को आइडेंटिफाई करके उसमें गुण आइडेंटिफाई आप करते हो और फिर वहाँ पे उनकी पूजा की जाती है, वो सगुण धारा। लेकिन एक वो जो निर्गुण, जो कहते हैं कि भगवान की पूजा करेंगे लेकिन किसी प्रकार की आइडेंटिटी के साथ नहीं, वो आप विदाउट एन आइडेंटिटी, अर्थात एक फॉर्मलेस जो गॉड होते हैं, कि आप किसी गॉड को आप एक फॉर्म नहीं दे सकते कि इस तरीके के आप भगवान होंगे उसकी हम पूजा करेंगे, तो वो फॉर्मलेस जो गॉड होते हैं उनकी पूजा जो की जाती है वो की जाती है निर्गुण में। तो निर्गुण और सगुण, सगुण में जब एक फॉर्म होती है गॉड की और निर्गुण जहाँ पे फॉर्मलेस गॉड होते हैं, तो ये जो जो भक्ति धाराएँ थी भक्ति मूवमेंट के अंदर, वो दो तरीके थे हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन के। तो ये हमने डिस्कस किया, तो इसका राइट आंसर होगा ए, अर्थात सगुण और निर्गुण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि हमें जो भक्ति मूवमेंट हुआ था उसके सोशल इम्पैक्ट के बारे में राइट आंसर चुनना है। दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, दोनों को पहले डिस्कस करते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि भक्ति आंदोलन जो हुआ था वो मध्ययुगीन हिंदू समाज में एक भक्तिपूर्ण परिवर्तन था। ये सही बात है। और इसके तहत हुआ क्या था? जो हमारे वैदिक अनुष्ठान थे, जो मोक्ष के लिए वैकल्पिक रूप से तपस्वी भिक्षु जैसी जीवन शैली जो एक बताई गई कि आप एक भिक्षु की तरह एक जीवन जीवन शैली को एक्सेप्ट कीजिए और उसके बाद आप मोक्ष के लिए जाइए, ये एक वैकल्पिक रूप दिखाया गया, और एक भिक्षु जैसी व्यक्तिगत जीवन शैली बताई गई, परिभाषित की गई, और देवताओं के साथ व्यक्तिवादी प्रेम संबंध को बताया गया। क्या इस प्रकार की बातें भक्ति आंदोलन के अंदर बताई गई थी? ये बात सही है, ये सही है, क्योंकि जो भक्ति आंदोलन था उसमें भगवान को पाना या भगवान के आप ये कह सकते हैं मोक्ष को पाना और भगवान की अनुभूति करना, उस प्रकार की चीज़ों के लिए एक अल्टरनेटिव वे दिखाया गया था, जो हमें कन्वेंशनल वे जान रहे थे कि ब्राह्मण्स के थ्रू जब हम उस चीज़ तक पहुंचते थे कि हमें ज्ञान की प्राप्ति होती थी उसके बाद हम उस चीज़ को पाते थे। लेकिन जब एक भक्ति आंदोलन हुआ तो उसमें एक तपस्वी भिक्षु जैसी जीवन शैली को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें आप तपस्या करके एक भगवान की आप अनुभूति तक पहुंच सकते हैं, मोक्ष तक पहुंच सकते हैं, इस प्रकार का कॉन्सेप्ट भक्ति आंदोलन के तहत दिया गया था। उसके बाद सेकंड है कि भक्ति आंदोलन ने शूद्र और अछूत समुदायों की महिलाओं और सदस्यों को आध्यात्मिक उद्धार के लिए एक समावेशी मार्ग प्रदान किया। ये बात भी सही है। तो इस भक्ति आंदोलन के तहत ये एक इस प्रकार का कॉन्सेप्ट वहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ कि जात पात से ऊपर उठ के हम इस चीज़ पे काम करें। तो ये भक्ति आंदोलन का एक अहम सामाजिक प्रभाव था हमारे धर्म पर। तो ये बात हमने करी इन दो चीज़ों के बारे में। तो इन दोनों ही स्टेटमेंट आपको यहाँ पे सही मिलते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा पहला और दूसरा, दोनों सही, सी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संप्रदाय को निर्गुणी भक्ति पर बल दिया जाता है, कि अर्थात वो संप्रदाय है जहाँ पे निर्गुण भक्ति पर जल आप ये कह सकते हैं स्ट्रेसफुली या फोर्स किया गया है या एम्फेसिस किया गया है फॉर्मलेस गॉड पर, परंतु
बिना किसी परमात्मा की भक्ति, अर्थात कि आप बिना किसी गुण या रूप के परमात्मा की भक्ति जो निर्गुण भक्ति द्वारा कहलाती है वो, और भगवान के किसी एक रूप की भक्ति जो सगुण द्वारा कहलाती है, उन दोनों ही रूपों को एक्सेप्ट करती है लेकिन बल देती है निर्गुण भक्ति पर, तो ऐसा संप्रदाय कौन सा है? तो वो है सिख धर्म, जो एक्सेप्ट दोनों को करता है लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद जो भक्ति पर फोर्स दिया जाता है, एम्फेसिस किया जाता है, वो है निर्गुण भक्ति धारा, वो है सिख धर्म। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है चैतन्य महाप्रभु के बारे में, जो हमने अभी कुछ स्लाइड्स पहले डिस्कस किया था। तो 16वीं शताब्दी में वो एक तपस्वी हिंदू भिक्षु हुए थे और एक समाज सुधारक हुए थे। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कहाँ हुए थे, बिहार में, आसाम में, बंगाल में या भारत के अन्य किसी हिस्से में। तो अगर आपको पिछले क्वेश्चन याद हैं और अगर आपने बहुत ही ध्यान से वो क्वेश्चन किया हो तो उस पिछले एक क्वेश्चन में ही उसका राइट आंसर था और वो था बंगाल। हमने अभी बात करी थी उस क्वेश्चन में पूर्वी उड़ीसा जो है और उसमें और उसके अलावा जो पूरा बंगाल है उनमें, उन दोनों एरिया में मिला के जो हमने बात करी थी गौड़ीय संप्रदाय की, और गौड़ीय संप्रदाय और बंगाल के अंदर जो एक आप ये कह सकते हैं तपस्वी भिक्षु और समाज सुधारक के रूप में जिन्होंने काम किया था वो थे चैतन्य महाप्रभु। अब जानते हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो ये वैष्णव धर्म के भक्ति योग के परम प्रचारक और भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक है। सही बात है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। इन्होंने वैष्णवों के गौड़ीय संप्रदाय की आधारशिला रखी, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया है, और भजन गायकी की एक नई शैली को इन्होंने जन्म दिया था। और राजनीतिक अस्थिरता के दिनों में हिंदू मुस्लिम सद्भावना को इन्होंने बल दिया था। जात पात ऊंच नीच की भावना से दूर रहने की इन्होंने शिक्षा दी थी, और विलुप्त जो वृंदावन था उसको फिर से बसाया, और अपने जीवन का जो अंतिम समय था उन्होंने वहीं पर व्यतीत किया था। और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए महामंत्र नामक संकीर्तन का अत्यंत व्यापक और सकारात्मक प्रभाव आज भी आप वेस्टर्न कल्चर में देख पाएंगे। और तभी कहा जाता है कि यदि गौरांग ना होते तो वृंदावन आज तक एक मिथक ही होता, और वैष्णव लोग जो श्री कृष्ण के राधा या रानी के संयोग को अवतार मानते हैं वो इनकी बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं वैष्णवों के अंदर। तो ये हमने इसकी पूरी बात करी कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में काम किया, गौड़ीय संप्रदाय के लिए काम किया, वैष्णवों के अंदर जो श्री कृष्ण के राधा रानी के संयोग को अवतार मानते हैं उनकी पूजा की जाती है। ये सारी बात हमने इस क्वेश्चन में करी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि जो रामानुज आचार्य है, जो एक भारतीय दार्शनिक थे, वो कौन से एक, जो हम ये कह सकते हैं कौन सी एक फिलोसॉफी के, जो फिलोसॉफी तो हमने उनकी बात करी कि वो एक इंडियन फिलोसोफर थे, लेकिन किस एक धर्म या किसी एक धारा या किसी एक आप ये कह सकते हैं कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े हुए थे, वैष्णववाद, निर्गुण धारा या सिख धर्म। तो रामानुज आचार्य जो थे वो वैष्णववाद के साथ जुड़े हुए थे। अब बात करते हैं रामानुज आचार्य के बारे में और वैष्णववाद के बारे में। तो रामानुज आचार्य जो थे वो विशिष्टाद्वैत वेदांत के प्रवर्तक थे, विशिष्ट प्लस अद्वैत, विशिष्टाद्वैत वेदांत के प्रवर्तक थे, और वो एक ऐसे वैष्णव संत थे जिनकी भक्ति परंपरा जो थी उस पर बहुत ही गहरा प्रभाव रहा। और वैष्णव आचार्यों में से रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में रामानंद ऐसे उनके शिष्य हुए जो कबीर और सूरदास उनके आप ये कह सकते हैं, अर्थात वैष्णव आचार्यों में से प्रमुख रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में ही रामानंद हुए जिनके शिष्य कबीर और सूरदास थे। तो रामानुजाचार्य की शिष्य रामानंद की हमने यहाँ बात करी और इनके शिष्य थे कबीर और सूरदास। और रामानुज ने वेदांत दर्शन पर आधारित अपना नया दर्शन विशिष्ट अद्वैत वेदांत लिखा था। विशिष्ट होने के साथ साथ अद्वैत
तो इन दोनों को भी हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में एकदम कंप्लीट एनालाइज करेंगे। और रामानुजाचार्य ने वेदांत के अलावा 7वीं से लेकर 10वीं जो शताब्दी थे उसके रहस्यवादी और भक्ति मार्गी अलवार संतों के भक्ति दर्शन और दक्षिण के पंचरात्र परंपरा को अपने विचारधारा का आधार बनाया। जो उनके विचार थे उनके आधार के बारे में भी हमने बनाया कि कहाँ से उन्होंने अपने विचारों को आधार बनाते हुए अपने विशिष्टाद्वैत के वेदांत को लिखा और उसको आगे इंट्रोड्यूस करते हुए उसको फैलाया। तो यहाँ पे हमने बात करी रामानुजाचार्य के बारे में कि वो विशिष्टाद्वैत के किस प्रकार उन्होंने विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक वो बने, उसको लिखा और उसके बारे में बात करी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है, वो ये है कि श्वेत जो नैना मार थे वो और वैष्णव अलवार जो थे उन्होंने भक्ति पंथ का उनका जो प्रचार हुआ था वो कौन से शासकों के अंतर्गत हुआ था। तो ये क्वेश्चन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे फिर से कर लेते हैं कि दक्षिण के जो राजवंश थे पल्लव पांडा और चोल जो हमने बात करी थी कि किस प्रकार उन्होंने एक पूरे दक्षिण राज्य पे पूरा राज एक बार उनका जब एक्सटेंड होने लगा, जब वो अपने एक्सट्रीम पे पहुँचे तो उन्होंने दक्षिणी भारत पे पूरा राज किया था। पल्लवों के बारे में हमने बात करी, पांडवों के बारे में हमने बात करी, किस प्रकार वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला जो हिस्सा है वहाँ पे उन्होंने राज किया था। तो ये सब बातें हमने पहले कर ली है, लेकिन इसके बारे में फिर से हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि नैनामार और अलवार जो थे तो वो उनकी भक्ति जो धारा थी या उनका जो भक्ति पंथ था उनकी प्रचार प्रसार जो हुआ था वो हुआ था पल्लव पांड्या और चोल शासकों के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर हुआ ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भक्ति संतों में से कौन सा अद्वैत या एकवाद के अपने सिद्धांत के माध्यम से हिंदू धर्म का एक नया अभिविन्यास दिया। अर्थात अद्वैत, सिर्फ अद्वैत की उन्होंने बात करी है, जो दूसरा नहीं हो सकता, जो द्वैत नहीं हो सकता, एक या फिर आप कह सकते हैं एकवाद, एकवाद की जिन्होंने बात करी वो सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, वो नया कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया, तो वो थे शंकर जो हमने बात करी उनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। अब जानते हैं ये है क्या। तो अद्वैतवाद अर्थात एकत्ववाद, कोई चीज़ का दो न होना, तो भारत के सनातन जो दर्शन है उनमें से एक प्रभावशाली मत अद्वैतवाद भी है और इसके अनुयायी ये मानते हैं कि उपनिषदों में से इसके सिद्धांतों की पूरी अभिव्यक्ति है और ये वेदांत सूत्रों के द्वारा व्यवस्थित है। जहाँ तक इसके उपलब्ध पाठ का प्रश्न है, इसका ऐतिहासिक आरंभ जो है वो मुंडकोपनिषद पे छंद रूप में लिखित टीका मांडुक्य कारिका के लेखक गौड़पाद से जुड़ा हुआ है। तो ये हमने जाना अद्वैतवाद के स्टार्टिंग के बारे में, किस प्रकार शंकर के द्वारा इसको प्रवर्तक के रूप में काम किया गया, इसको फैलाया गया। तो ये सारी बातें एक हिंदू दर्शन के, एक वेदांत दर्शन की बात हमने या सनातन दर्शन के वेदांत की बात हमने यहाँ पे करी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि भक्ति संत रामानुज जो थे वो प्रथम, रामानुज प्रथम से संबंधित हमें कुछ कथन दिए गए हैं उनके बारे में बात करनी है। तो रामानुज के बारे में हमने अभी पिछले कुछ स्लाइड्स पहले हमने डिस्कस किया था, तो उन्होंने विशिष्टाद्वैत का उपदेश दिया, सही बात है, हमने पिछले ही लाइन में डिस्कस किया था। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि भगवान शगुन ब्राह्मण है, ये बात भी सही है। तो ये दोनों ही बात हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था, तो ये रामानुज के बारे में हुई। तो इसका राइट आंसर होगा सी, पहला और दूसरा दोनों। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है भक्ति संत रामानंद के बारे में। तो रामानुजाचार्य की जहाँ पे हमने बात करी थी, उनके शिष्यों की हमने बात करी थी रामानंद, फिर उनके शिष्यों की हमने बात करी थी कबीर जैसे, तो ये हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम यहाँ पे बात करते हैं कि स्वामी रामानंद को क्यों जाना जाता है, तो मध्यकालीन भक्ति आंदोलन जो था उसके वो महान संत थे और उन्होंने राम भक्ति धारा जो थी उसको समाज के निचले तबके तक पहुँचाया था। तो रामानंद को मुख्यतः इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो दक्षिणी भारत में जो भक्ति धारा थी उसको उन्होंने उत्तर भारत में लेके आए और वो पहले ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया था। इसीलिए उनके बारे में एक कहावत कही जाती है कि द्रविड़ भक्ति उपजो लायो रामानंद, यानी कि उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने का जो श्रेय है वो कम्प्लीटली स्वामी रामानंद को दिया जाता है। और उन्होंने उस वक्त जो हमारे समाज में कुरूतियाँ व्याप्त थी, छुआछूत, ऊंच नीच और जात पात, उसका विरोध भी उन्होंने किया था। तो इन बातों से संबंध है
रामानंद का। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि उन्होंने भगवान के सामने आत्मसमर्पण के मार्ग की वकालत करी और या फिर जीवात्मा या परमात्मा के द्वैतवाद का प्रचार किया। ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि हमने बात करी कि उनका मेन कॉन्सेप्ट जो था, उन्होंने भक्ति की धारा जो थी उसको फैलाया उत्तर भारत में, तो उस चीज़ से वो रिलेट करते हैं, न कि इन चीज़ों से जो यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13वीं सदी में महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन में आपको दिए गए हैं नामदेव, एकनाथ, तुकाराम या ज्ञानेश्वर। तो 13वीं सदी में महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन हुआ था उसके संस्थापक थे ज्ञानेश्वर। अब जानते हैं ज्ञानेश्वर के बारे में इन डेप्थ में कि किस प्रकार उन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के लिए काम किया था। तो संत ज्ञानेश्वर जो थे वो महाराष्ट्र में 13वीं सदी के एक महान संत हुए जिन्होंने ज्ञानेश्वरी की रचना करी। ज्ञानेश्वरी के बारे में भी आगे एक क्वेश्चन आएगा, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो संत ज्ञानेश्वर की गणना भारत के महान संतों एवं मराठी महाकवियों में या कवियों में होती है। ये संत नामदेव के समकालीन थे। इन्होंने पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण करते हुए लोगों को ज्ञान भक्ति से परिचित करवाया, समता संभाव का उपदेश दिया। महाराष्ट्र में संस्कृति के आद्य प्रवर्तकों में इनका भी नाम आता है, जिन्होंने भक्ति धारा को एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया, उसके लिए काम किया। इस प्रकार के नाम लिए जाते हैं, तो नाम ज्ञानेश्वर का भी आता है और इन्होंने जो ज्ञानेश्वरी लिखी थी उसके बारे में भी अब आगे आने वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि जो भक्ति संत थे इनमें से कौन से भक्ति संत हुए हैं महाराष्ट्र में जो शिवाजी के समकालीन थे। ऑप्शन दिए गए हैं नामदेव, एकनाथ, तुकाराम या ज्ञानेश्वर। अगर आपने शिवाजी की जीवनी पढ़ी है तो कहीं ना कहीं आपने तुकाराम का नाम भी उस वक्त कहीं सुना होगा, उस जीवनी के आसपास ही उनका वक्त था। तो चलिए जानते हैं तुकाराम के बारे में और शिवाजी के बारे में। तो तुकाराम यानी तुकोबा महाराष्ट्र के महान संत हुए थे, कवि भी वहाँ रहे थे, लेकिन वे केवल वारकरी संप्रदाय के ही एक शिखर नहीं थे। उन्होंने दुनिया भर के साहित्य में अपनी असाधारण जगह बनाई, उनके साहित्य में जगह बनाई और उनके जो अभंग थे वो अंग्रेजी भाषा में इंग्लिश में भी अनुवादित हुए और उनका जो काव्य लिखा गया है, जो साहित्य लिखे गए हैं, वो रत्नों का साहित्य, रत्नों का खजाना है। और इसीलिए आज सैकड़ों वर्ष टाइम हो गया है, इतना लंबा टाइम हो गया है, फिर भी उनके जो साहित्य हैं या उनके जो कही गई काव्य हैं वो आम आदमी के मन में सीधे उतरती हैं। इस प्रकार के बातें और काव्य तुकाराम के द्वारा लिखे गए थे। तो अब ये छत्रपति शिवाजी से किस प्रकार रिलेटेड थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो महाराज तुकाराम थे उनको अपना गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन उनके नियत गुरु थे समर्थ रामदास स्वामी। अब ये बात और ये बात अपनी अंतर्दृष्टि से जान गए थे तुकाराम जी, इसीलिए उन्होंने उनको आदेश दिया या उपदेश दिया कि आप उन्हीं की शरण में जाइए, समर्थ रामदास स्वामी की शरण में जाइए, उन्हें अपना गुरु बनाइए। लेकिन जो छत्रपति शिवाजी थे उन्होंने उनको समर्थ रामदास को अपना गुरु एक्सेप्ट किया, लेकिन फिर भी उन्होंने इनकी हरी कथाएँ सुनना बंद नहीं किया। बारंबार वो इनकी कथाएँ और हरी कथाएँ सुनते रहते थे। तो ये बात करी हमने तुकाराम या तुकोबा के बारे में और शिवाजी के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि निर्गुण ब्राह्मण की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो निर्गुण ब्राह्मण अद्वैत या विशिष्टाद्वैत। तो अगर हमें निर्गुण ब्राह्मण आप बात करते हैं यहाँ पे निर्गुण जिस किसी जो गॉड की हम बात करेंगे, जो भगवान की परमात्मा की हम बात करेंगे, वो बिना किसी रूप के होंगे। तो इस प्रकार की अवधारणा क्या अद्वैत में आएगी या विशिष्टा अद्वैत में आएगी। तो वो आएगी अद्वैत में, क्योंकि विशिष्टाद्वैत में क्या होता है, विशिष्ट विशिष्ट प्लस अद्वैत। तो जहाँ पे विशिष्ट आ गया तो आप किसी रूप की बात, निर्गुण ब्राह्मण में आपको बिना किसी रूप की बात करनी है तो अद्वैत होगा, लेकिन विशिष्टाद्वैत में आपको विशिष्ट प्लस अद्वैत की बात होती है, इसलिए वो विशिष्टाद्वैत तो नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर होगा अद्वैत।
तो ए इसका राइट आंसर हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है भक्ति संत चैतन्य के बारे में। फिर से हमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानना है। इनके बारे में हम 2 से 3 क्वेश्चन डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। वैष्णव गौड़ीय संप्रदाय से रिलेटेड हैं। बंगाल और पूर्वी उड़ीसा में इन्होंने काम किया है। 16वीं शताब्दी में इन्होंने काम किया था। किस प्रकार की बातें हमने यहाँ पे सारी डिस्कस कर ली है भक्ति संत चैतन्य के बारे में। अब ऑप्शन में आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट को तरीके से पढ़ेंगे तो सही आंसर इसका कर पाएंगे। उन्होंने बंगाल में कृष्ण पंथ को लोकप्रिय बनाया, सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट, उनका मानना है कि प्रेम और भक्ति, गीत और नृत्य एक भक्त और भगवान की उपस्थिति को महसूस करवा सकता है। मतलब कि एक भगवान और भक्त के बीच में गीत और नृत्य, प्रेम और भक्ति, ये दोनों साधन बन सकते हैं। तो ये बात भी सही है। तो इसका राइट आंसर हुआ सी, अर्थात 1 व 2 दोनों। और चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो हमने पहले डिस्कस किया था, वही बातों को मैंने एक बार फिर से आपके सामने रखा है। अगर आप भूल गए हो तो उन चीज़ों को फिर से यहाँ पे डिस्कस कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कन्नड़ क्षेत्र में जीवात्मा और परमात्मा के द्वैतवाद का प्रचार किया था। ऑप्शन आपको मिलता है मीराबाई, निम्बारका, वल्लभाचार्य या माधव। तो कन्नड़ क्षेत्र में जो जीवात्मा और परमात्मा के द्वैतवाद का प्रचार किया गया था वो माधव के द्वारा किया गया था। ये आप याद रखिएगा कन्नड़ क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो कौन से भक्ति संत थे जिन्होंने ये कहा कि दुनिया की जो अशुद्धियाँ हैं, जो अशुद्ध माहौल है, उसके बीच में हम सबको शुद्ध रहना है। ऑप्शन दिया गया है वल्लभाचार्य, माधव, गुरु नानक या चैतन्य। तो सिख धर्म जो था उसके हम पहले जिनकी हम बात करते हैं गुरु, उनके गुरु नानक जो थे उन्होंने ये बात कही थी। तो अब जानते हैं गुरु नानक के बारे में। तो गुरु नानक 15 अप्रैल 1469 से लेकर 22 सितंबर 1539 सिखों के पहले आदि गुरु हैं और इनके अनुयायी इन्हें नानक, गुरुदेव जी या नानक देव जी, बाबा नानक या नानक शाह के नाम से इनको संबोधित करते हैं। तो सामवेदी ब्राह्मण गुरु नानक जो थे वो मुसलमानों के अत्याचार के विरुद्ध सिखों को तैयार उन्होंने किया था। नानक अपने व्यक्तित्व में दार्शनिक भी थे, योगी भी थे, गृहस्थ भी थे, धर्म सुधारक भी थे, समाज सुधारक भी थे, कवि भी थे, देशभक्त भी थे, विश्व बंधु भी थे। इस प्रकार की सारी क्वालिटीज को समाये हुए थे। और कई सारे लोगों का यह मानना है कि बाबा नानक एक वेद पाठी ब्राह्मण थे और उनके सामवेद शैली के गायक थे। और गुरुवाणी जो सामवेद शैली पर ही है वो गुरु नानक देव जी ने ही सनातन की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। ये सारी बातें गुरु नानक देव के बारे में हुई कि किस प्रकार उन्होंने क्यों एक सिखों को तैयार किया मुसलमानों के विरुद्ध, जब उनका अत्याचार मुगलों के वक्त जब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था तो उनके विरुद्ध उनको खड़ा किया और उनको किन किन नामों से पुकारा जाता है, ये सारी बातें हमने डिस्कस की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन की विशेषताओं का पता लगाएं। जो भक्ति मूवमेंट हुए थे उनके क्या फीचर्स थे। पहला बताया है कि अनुष्ठानों, समारोह को और अंधविश्वास की निंदा करना, या फिर कई संतों द्वारा मूर्ति पूजा की अस्वीकृति। तो ये दोनों ही यहाँ पे सही है। जो भक्ति आंदोलन थे उन्होंने अंधविश्वासों की निंदा करी थी और बहुत से संत ऐसे थे जिन्होंने मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं किया था। जो बिना मूर्ति के पूजा को आप ये कह सकते हैं एक तरीका बताया था भक्ति करने का। तो ये दोनों ही यहाँ पे सही है। तो इसका राइट आंसर हुआ बोथ 1 और 2, सी इसका राइट आंसर हुआ। तो अब हमने यहाँ पे कम्प्लीटली बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अब कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो इन्हीं से संबंधित हैं।